हमारी शिव कथा कहती है भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो, ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है, इस काया का शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए, गलत सोच की ओर, गलत विचारों की कि शरीर मिल तो गया, बहुत बहुत कठिनाई में प्राप्त तो हो गया, बहुत कठिनाई में मिल तो गया, पर शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। शरीर का सदुपयोग हो जाए, अरे तेरा ही दिया खाया दिया, तेरा शुक्र दिया, तेरा मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। तो सोमनी को शरीर मिला तो शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को सवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। गई महाबलेश्वर मंदिर में, गई महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई, और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना।